हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 9 सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, सॉइल प्रोफाइल के टॉपिक पर थे और हॉरिजन ए क्लियर हो चुका था एंड लेट्स स्टार्ट बी हॉरिजन। दिस लेयर लाइज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है हमारी, जस्ट बिलो, इसके नीचे हॉरिजन बी होता है। इट इज़ नोन एज सब सॉइल और मिडिल लेयर। इसको, इस लेयर को मिडिल लेयर भी बोला जाता है और सब सॉइल भी कहा जाता है। द कलर ऑफ दिस लेयर इज लाइटर देन दैट ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, इसका जो कलर होता है हल्का लाइट होता है टॉप सॉइल के कंपैरिजन में। मिनरल्स फ्रॉम हॉरिजन ए, ठीक है, मिनरल्स फ्रॉम हॉरिजन ए अलॉन्ग विथ रेन वाटर और इरीगेशन वाटर एक्युमुलेट्स इन दी हॉरिजन बी। जो भी हॉरिजन ए रेन वाटर को या इरीगेशन वाटर को कैच करता है, उसको एक्युमुलेट करके कहाँ ट्रांसफर कर देता है, हॉरिजन बी में। इट कंटेन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। हॉरिजन बी में हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैनी सॉल्यूबल मिनरल्स फाउंड होते हैं। इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी लिटिल होती है, बट कंटेन मोर ऑफ सैंड। लेकिन यहाँ पर सैंड ज़्यादा कंटेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा कंटेन होते हैं। एंड इज मोर कॉम्पैक्ट देन दी टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल के कंपेरिजन में ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। दिस लेयर कंटेन्स वेरी लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वहाँ पर जाना और डेड होना तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये जो अर्थ वॉर्म छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं वही डेड होते होंगे और डिकेड हो जाते होंगे, ठीक है। तो इस लेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत लेस कंटेन होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दी सब सॉइल। कुछ ही प्लांट्स और ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सब सॉइल तक पहुँच पाती हैं। सी हॉरिजन, इट लाइज बिलो दी सब सॉइल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बी हॉरिजन को। दिस लेयर लाइज बिटवीन, लाइज जस्ट बिलो दी टॉप सॉइल। इट इज नोन एज सब सॉइल और मिडिल लेयर। द कलर ऑफ दिस लेयर इज लाइटर देन दी टॉप सॉइल। मिनरल्स फ्रॉम हॉरिजन ए अलॉन्ग विथ रेन वाटर और इरीगेशन वाटर एक्युमुलेट्स इन दी हॉरिजन बी हॉरिजन। इट कंटेन्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैनी सॉल्यूबल मटेरियल्स। इट कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट कंटेन्स मोर ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड इज मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। दिस लेयर कंटेन्स वेरी लेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओनली अ फ्यू प्लांट्स और ट्रीज हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच द सब सॉइल। ओके, सी हॉरिजन, इट लाइज बिलो द सब सॉइल। इट लाइज बिलो द सब सॉइल। इट कंटेन्स ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स और स्टोन्स फॉर्म्ड बाई दी पार्टिकल्स वेदरिंग ऑफ बेड रॉक्स। ये जो सी हॉरिजन होता है लाइज बिलो दी सब सॉइल, मतलब सब सॉइल किसको बोला जाता है, बी हॉरिजन को, तो बी हॉरिजन के नीचे होता है। इट कंटेन्स ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स। यहाँ पर देखा हो, ये देखिए दिखाया जा रहा है यहाँ पर रॉक्स, जो टूटी हुई रॉक्स होती ना, और उसके स्मॉल लम्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ीले जैसे होती हैं, और स्टोन्स, ठीक है, जिनको नॉर्मली हम लोग स्टोन्स के नाम से जानते हैं, फॉर्म्ड बाई दी पार्टिकल्स वेदरिंग ऑफ बेड रॉक और पेरेंट रॉक। फॉर्म्ड बाई दी पार्टिकल वेदरिंग ऑफ बेड रॉक, जो किससे फॉर्म्ड हुई है, वेदरिंग ऑफ बेड रॉक के, ये मीन्स पेरेंट रॉक का जब फॉर्मेशन हुआ है तो उसी के ये सैंड पार्टिकल्स होते, सॉरी स्टोन पार्टिकल्स होते हैं। दीज रॉक पीसेस आर रिच इन मिनरल्स। इट कंटेन्स नो ह्यूमस, यहाँ पर ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता है। दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन सब सॉइल। बिलो दिस लेयर अनवेदर्ड सॉइल रॉक called bedrock or parent rock is present. This layer is hard and therefore difficult to dig with a spade. Soil is arranged in three layers above the bedrocks as a horizon A, B horizon and C horizon. Okay, आज यहीं तक टॉपिक रखते हैं और आगे का जो टॉपिक होगा वो
कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो बाय, टेक केयर. और आपका जो होमवर्क है वो हॉरिजन ए और हॉरिजन बी, सॉरी हॉरिजन बी और हॉरिजन सी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी अंडरलाइन कराए हैं वो सब आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपकी जो यूनिट टेस्ट होगा वो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा. ठीक है, कुछ भी बैक से बहुत कम पूछेंगे, मिडिल से ही ज़्यादा पूछेंगे. ओके, सो बाय, टेक केयर और कॉन्टिन्यू क्लास लेते रहें. थोड़ा सा क्लासेस आगे पीछे हो जाएंगी, क्योंकि अब मैंने पहले वीडियो में भी बोला, इसमें भी बोल रहे हैं कि बेटा जो सीज़न है वो चेंज हो गया है. ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा नेटवर्क इश्यू तो रहता ही है फिलहाल. ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए सर के साथ. ओके,